में आपका मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ वेरी इजी चैप्टर, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आ जाएगी। थोड़ी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखो भाई, आपकी जो मैथमेटिकल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी बुद्धि अपनी ओपन करो। सो चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इजी है, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। सो फोकस करना, क्या करा रहे हैं ध्यान से करना, एंड एक दो फॉर्मूलाज में तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो खुली रखना, ठीक है। आपको प्लस माइनस नहीं आता, आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है, तो फिर ये भी मुश्किल होगा, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी क्लियर, तो भी स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, बट प्लीज कीप योर ब्रेन ओपन, ठीक है। अपना दिमाग खुला रख के सब पूरा देखना, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग मैथ्स, ठीक है। सो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और देखें अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। देखो ज्योमेट्री वर्ड आया, द वर्ड इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री में क्या होता है, पॉइंट प्लॉट करते हैं ना। सो पहले मैं हम पॉइंट प्लॉट करने के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में सपोज दो पॉइंट्स दी हैं, सपोज मुझे दो क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दी हैं, एक पी पॉइंट दी है जो कि है 2.3 और एक क्यू पॉइंट दी है जो कि है 5.6, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे दी गई है दो पॉइंट्स, ठीक है, पी 2.3, क्यू है 5.6, ठीक है। और मुझे कहा गया है इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, मुझे कहा गया है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, ठीक है। सो मैंने आगे जो चैप्टर सीखे हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में जितना सीख के आई, तो क्या सीख के आई हूँ, प्लॉटिंग करना मुझे आता है। जब कॉमा में हो चीज, तो कॉमा में एक्स और वाई होता है, जो आगे वाला कॉमा के आगे होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो कॉमा के बाद में होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतना मुझे पता है, और मुझे दो पॉइंट्स दी गई हैं कि भाई इसे प्लॉट करो। सो ये देखो, ये मेरा पी भी प्लॉट करना है, ये मुझे क्यू भी प्लॉट करना है। पी क्या है 2.3, क्यू क्या है 5.6, ठीक है, ये मुझे प्लॉट करने हैं, ठीक है। सो मैं ऑब्वियसली ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, और बोर्ड पे मैं ग्राफ कर भी नहीं पाऊंगी, तो मैंने एक रफ फिगर बनाई है, तो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं तो कार्टीजन प्लेन में बनाया जाता है, ठीक है। सो मैंने पी और क्यू प्लॉट करा है। सो यहाँ देखो, मैंने एक्स एक्सिस लिखा और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिखा, ठीक है। सो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में कैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे, 0, 1, 2, 3, ये तो पता है, -1, वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये सारा हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अब मैं प्लॉट कर रही हूँ बारी बारी से, पहले पी प्लॉट करना है मुझे, पी 2.3 प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, पी 2.3, ठीक है। सो पी 2.3 कैसे प्लॉट करेंगे, पी 2.3 को प्लॉट करेंगे तो ये मेरा पी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, पी प्लॉट किया। सो देखो एक्स एक्सिस, 2 क्या है, 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, 2 है एक्स कोऑर्डिनेट और 3 है वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं 2 के सामने क्या देखूंगी, 3 देखूंगी, ठीक है, 2 के सामने मैं क्या देखूंगी, 3, ठीक है। तो 2 के सामने मैंने 3 देखा, तो ये 2 के सामने मैंने 3 देखा। सो कैसे प्लॉट करूंगी, P2.3, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो P2.3, ठीक है। उसी तरह से क्यू है, क्यू दिया हुआ है 5.6 दिया हुआ है, क्यू क्या दिया हुआ है 5.6। सो क्यू कैसे प्लॉट करूंगी, सो क्यू ये रहा फाई, एक्स कोऑर्डिनेट फाई है और सामने वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, क्यू 5.6, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट है 2.3, वाई कोऑर्डिनेट है 5.6, ठीक है। तो अब ये मैंने प्लॉटिंग कर दी, ठीक है, आपने कहा ज्योमेट्री कर ली, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका क्या काम। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे दो पॉइंट्स है मुझे इसके बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है। क्या फाइंड करना है, मैं फाइंड करने वाली हूँ पी क्यू का डिस्टेंस, मुझे ये पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पी क्यू का मुझे डिस्टेंस, कि ये दोनों दूर कैसे, कितने दूर है भाई, 2 सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर, या मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट्स, कितने यूनिट्स दूर है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, कितने यूनिट्स दूर है। सो ये पता करने के लिए कि दो पॉइंट्स कितने दूर हैं, कितने दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, चैप्टर में कुछ ही फॉर्मूलाज है और चैप्टर ओवर हो जाता है।
सो द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको दो पॉइंट्स होते हैं और दोनों पॉइंट्स पे फॉर्मूला लगाना होता है और आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिलता है. ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. सो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके किसके बीच में लिखना है? PQ के बीच में लिखना है. किसके बीच में है? P और Q. सो PQ, PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? PQ फॉर्मूला है. डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? X2 माइनस X1 द होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 द होल स्क्वायर. ठीक है, ये है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला. PQ इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये मेरा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, ठीक है. और ये फॉर्मूला आपको लिखना है पांच बार ही, ठीक है. ये फाइव टाइम्स लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला पे आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.1 है. पूरी एक्सरसाइज इस इकलौते फॉर्मूला पे है, तो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए. अब x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है. सो x2 y2 या x1 y1 क्या है? सो ये होता है, ठीक. ये हमेशा देखो, कॉमा के आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है. कॉमा के आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है. x1 y1 x2 y2, ठीक है. सो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता, मतलब ये होता है, ठीक है. x1 y1 x2 y2, ठीक है. तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है और मैंने ये एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, एग्जांपल लिया था. अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ. ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है. इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. तो इसको करना है आपको सॉल्व. क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों के बीच का डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो. सो पी क्यू, अच्छा देखो x1 y1, तो आपका x2 क्या है? x2 phi है, ठीक है. x2 phi है, x1 क्या है? 2. देखो x2 क्या है मेरा? phi है और x1 क्या है? 2, ठीक है. इसका पहला वाला माइनस इसका पहला वाला स्क्वायर प्लस इसका पहला वाला, सॉरी ये इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला सिक्स और इसका दूसरा वाला थ्री. फॉर्मूला क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, क्या होगा? फाइव माइनस टू मतलब थ्री का स्क्वायर. थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस थ्री क्या होगा? सिक्स माइनस थ्री होगा थ्री होगा. सो वो भी थ्री का स्क्वायर, ठीक है. सो स्क्वायर रूट, देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर. थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री दो बारी, थ्री थ्री जा नाइन. सो नाइन प्लस थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन. सो नाइन प्लस नाइन, नाइन प्लस नाइन क्या होता है? एटीन, अंडर रूट एटीन. अभी स्क्वायर रूट 18 है, तो आप जब एट्थ में थे तो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था. स्क्वायर रूट को कैसे, स्क्वायर रूट अगर रूट हो, रूट हो, रूट को अगर रूट से बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन. तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे. टू नाइन जा एटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री. सो जब भी स्क्वायर रूट होता है तो पेयरिंग बाहर निकलती है, दो का एक हो जाता है. तो ये थ्री है तो थ्री, ये थ्री दो है तो थ्री क्या हो जाएगा? एक बन के बाहर निकलेगा, ठीक है. सो थ्री और ये रूट टू रहेगा, थ्री रूट टू, ठीक है. सो पी क्यू इज इक्वल टू थ्री रूट टू यूनिट्स. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? थ्री रूट टू है. पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी है? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच की दूरी है थ्री रूट टू यूनिट्स, ठीक है. सो बेसिकली आपको पूरी एक्सरसाइज 7.1 में यही करना है. सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे? एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू. जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड
और स्टेप्स ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो करने पड़ेंगे, जो इसमें भी कच्चा है तो वो ये घड़ी घड़ी ये वीडियो रिवाइंड कर करके देखो तो स्टेप्स भी आए आपको, ठीक है। सो बेसिकली यही करना है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 7.1। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1।